फ्यूरीज, ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 35 से 50 मिनट के बीच की है। और अब मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक लड़की लीना की कहानी, जिसको लेना है बदला अपने बाप की मौत का। और लीना की यही बदले की उसको ले आती है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। और फिर लीना की लाइफ में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, असल में तो ये सीरीज एक रिवेंज स्टोरी है और एक डिसेंट मिक्सचर है रिवेंज ड्रामा और गैंगस्टर ड्रामा का। प्लस ये एक फास्ट पेस सीरीज है जिसमें आपको बहुत सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा, गन फाइट सीन से लेकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स, सब कुछ काफी अच्छे से पिक्चराइज और कोरियोग्राफ किया गया है। प्लस दो फीमेल आपको इस सीरीज में लीड कैरेक्टर प्ले करती नजर आएंगी, जिसमें फ्यूरी का जो कैरेक्टर है इस सीरीज में वो एक स्ट्रॉन्ग और बैडएस कैरेक्टर है और उसका काम है अंडरवर्ल्ड की दुनिया के 6 पावरफुल क्रिमिनल गैंग्स और उनके लीडर्स के बीच एक बैलेंस बनाए रखना। फ्यूरी का कैरेक्टर आपको इस सीरीज में पसंद आएगा। और उसके अलावा लीना की भी जो एक रिवेंजफुल जर्नी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी उसमें भी आप डिसेंटली इन्वेस्ट रहेंगे और कहानी में आपको कुछ ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मेरी नजर में ये सीरीज एक्शन लवर्स या जो लोग रिवेंज स्टोरीज या गैंगस्टर ड्रामा देखना पसंद करते हैं उनका एक अच्छा टाइम पास करवा देगी। बस हाँ, ये सीरीज देखते हुए आपने ज्यादा सोचना समझना नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ चीजें ऐसी होती देखने को मिलेंगी जिनका कोई खास सेंस नहीं बन रहा होता है। कुछ चीजें आपको इस सीरीज में बहुत आसानी के साथ होती हुई भी नजर आएंगी। प्लस कहानी में प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी मौजूद है। बाकी एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का जो म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ अच्छा है। इन शॉर्ट, मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10, क्योंकि मेरी नजर में ये सीरीज एक अच्छा टाइम पास साबित होगी उन लोगों के लिए जिनको एक्शन से भरपूर रिवेंज स्टोरीज या गैंगस्टर ड्रामा देखना पसंद आते हैं। बस हां, आपने ये शो देखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई नहीं रखनी है। और हां, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि सीरीज में आपको सेक्स सीन देखने को मिलेगा, न्यूडिटी देखने को मिलेगी, ब्लड और वायलेंस देखने को मिलेगा। और अभी सीजन 1 में कहानी पूरी तरह से एंड नहीं हुई है, सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।